करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत अलग जगह से शुरू हो रहा है, शोर से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज है भाई का निकाह और हम लोग जाने वाले हैं और पीछे शोर हो रहा है कि निकाह के लिए देरी हो रही है, जल्दी करो। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और ब्लॉग को स्टिल वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग बहुत दूर जाने वाले हैं निकाह के लिए, तो साथ बने रहना बस। और मेरे पूरे फेस पे ना एलर्जी हुई हुई है, तो मेकअप से पूरा छुपाया तो है, पर बाद में अगर कहीं शो हो गया ना तो ज़रा यार अवॉइड करे। लग रही थी मैं, आप आए थे अपने व्लॉग में, आप अच्छे लग रहे थे। तो यार क्यों इतना ज़्यादा हुए हो, प्यारे लग रहे हो आज, तो हेयर स्टाइल भी तो अपना दिखाओ। ये वाह, सैलून से तैयार हुए हो, वाह। मम्मा भी वैसी, आप भी वैसी, पिटी लुक आ रहा है आज तो। कह रही मैंने आज भी व्लॉग देखा था पापा के फ़ोन से। ओहो, शादी वाला भी देखा था। हाँ, फिर सब्सक्राइब किया था, लाइक किया था। तो भाई ये छोटी सी फैन भी है और भांजी भी है, ठीक है ना, तो आप लोग भी चल। ये मेरी अम्मी है। हाँ जी, तो ये मेरी भाभी है, ठीक है ना। अब हम लोग बस में तो आ चुके हैं, अब साथ में नहीं लाना, और फिर जो कुछ भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा इस टाइम तो लग रही है, बहुत हैवी हैवी लग रहा है सारा। पार्टी खत्म हो गई यार, सो यहाँ हम लोग सारे बच्चे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, तो इंजॉय हो रही है फुल, बड़े भी और बच्चे, अभी कुड़िया बच्चे नहीं है वो तो भाई ये वाले भाई हैं, और सोनू का चाचू भी है, और ये वाला जीजू है, और ये छोटे भाई हैं। सो हेलो एवरीवन, आ जाते हैं अपनी वॉइस ओवर पर। तो यहाँ गाना चल रहा है डीजे वाले, मेरा गाना तो चला, मतलब गाना बजाएगा तो आएगा मज़ा। और यहाँ हमारी लड़कियाँ कह रही थी हम लोगों को भी व्लॉग में ले लो और हम लोगों को भी देखने दो डांस, क्योंकि मैं व्लॉग कैप्चर कर रही थी और साथ साथ हम पीछे मुड़ के देख रहे थे कि हमारे सारे बॉयज़ फुल इन्जॉय कर रहे थे बस में, क्योंकि सफ़र बहुत दूर का था। तो हम लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, सारे बच्चे बच्चे पीछे थे और ये चाचू थे और बहनोई थे, और फिर सब मिलकर डांस वांस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। आज के व्लॉग में फुल वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहाँ शहर लोग, सारी गर्ल्स हम लोग फुल ऑन इन्जॉय कर रहे थे, तो वॉइस ओवर आती है तो फिर कॉपीराइट नहीं आता, वरना जब सॉन्ग्स चल रहे होते हैं तो कॉपीराइट अक्सर आ जाता है और फिर मुझे डबल डबल एडिट करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक ही दफ़ा मैं आज अपना वॉइस ओवर करूँगी। और यहाँ एक भाई को ना ज़रा भी किसी बात की परवाह नहीं थी, वो भाई फुल अंग सोए हुए थे और उन लोगों को किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। हम लोगों ने खूब इंजॉय की, खूब डांस किया। सो डांस वो आप लोग साथ साथ देख भी रहे हो, कैसी तफरी हो रही है, कैसे टुमके लग रहे हैं। दसो फिर माइया वाले दिन तो टुमके लगाने वाली आईया सन, पर निकाह के टाइम तो साढ़े टुमके वाले अपने ही सन, छा गए सन फिर गड्डी दे विच भी बस दे विच भी। तो ऐसे अगर मेरे को मेरी पंजाबी किसी को अच्छी लगती है तो ज़रूर बताना कि मैं पंजाबी से बोल रही होती हूँ तो सही है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती, पर असी पंजाबी हाँ तो असी पंजाबी बोलना पसंद करने हैं, तो ये सारी बात है। तो बताओ ज़रा कैसी इन्जॉय लगी, आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन प्रेस भी करना। और मैं सबको दिखा रही हूँ कि आगे वालों को कुछ परवाह नहीं है, पीछे हम बच्चे बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं फुल ऑन। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और सब नीचे उतर चुके हैं बस से, और मैं बस में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और अभी जो है ना हम लोग पीछे हमारे दूल्हे भाई का शूट चल रहा है और यहाँ हम लोग सब उतरने वाले, सारे उतर चुके हैं और अब बस अपना भी थोड़ा बहुत शूट करवाती हूँ मैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, सबको बहुत पसंद आ रही है। तो अब मैं सफिया से कह रही थी, सफिया तो मेरी पिक्चर्स लेना और मैं तेरी पिक्चर्स लूँगी, क्योंकि
थोड़ा सा जाहिर सी बात है एक नई जगह पे हैं तो एक नया लुक है तो फिर होना चाहिए थोड़ा सा तो पता चले ज़रा। तो सफिया का लुक सबसे पहले देख लो सब यार चला जाओ तो ये है सफिया की फुल एंड फाइनल लुक कैसे लग रहा। तो ये है इन दोनों का फुल एंड फाइनल लुक और अब मेरा दिखा दो ज़रा मेरा फुल एंड फाइनल लुक क्या है। तो यहाँ ये लोग केक वगैरह लेके जा रहे हैं, वहाँ भाई का शूट चल रहा है, वहाँ सब अपना अपना शूट करवा रहे हैं, मैं भी करवाने वाली हूँ। और ये है बाजी का लुक और ये मेरी फेवरेट चीज़ ठीक है ना, पर आज भाई पकड़ेगा मतलब कि सोनू इससे शूट भी करवाएगा और उड़ाएगा भी। और यहाँ बाजी लोग बड़ा भाई बड़ा केक लेके खड़ा हुआ है, ये शैलो के पापा और ये बाजी। तो अभी मैंने ना इसकी साड़ी सही की है ताकि इसकी साड़ी नज़र आए कि साड़ी पहनी हुई है, साड़ी का लुक भी एक आना चाहिए। और पर्स लेके बाजी खड़ी बाजी करे पर्स लेके मैं खड़ी हूँ। तो बस अब चलते हैं अंदर, मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ा शूट करवा लूँ पर अब देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि सोनू भी वहाँ वापस जा चुका है, भाई भी वहाँ है। और तो हमारी रुबाब लेके ये प्लेट खड़ी है, वाह सो प्रिटी, बताना आप लोग भी कमेंट करके कैसे लगी रुबाब यहाँ ऐसे खड़ी है लेके अंदर जाने के लिए रेडी है, पर हमारे दुल्हन का अभी तक नहीं पता। चलो ओ मेरी फेवरेट चीजी ये बड़ा तेज़ी वाकई मेरे को बहुत पसंद है, आंख पे लग गई है तभी जाली, ओ जान आइस पे घूमी कर जाली छोटी थी ना इसलिए तो निकाला। देखो जरा कितने प्यारे दोनों लग रहे, देखो सोनू पकड़ लड़का लड़की गड्ढे पकड़ के खड़ा, बताना यार आप लोग कमेंट करना लड़का का मिक्स है है कड़ी कड़ा फीमेल है। चलो ये है प्यारा सा चर्च जो के अब अंदर जाते हैं फिर देखते हैं। सो निकाह वगैरह मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाए हुए हैं तो मैंने कहा वही निकाह होता है, निकाह कोई नया तरह का तो होता नहीं है। इस वजह से अब ना हम लोग शूट कर रहे थे बाहर और मैं और सफिया के साथ, तो हम लोगों ने बाहर भी शूट किया अंदर भी शूट किया, अब अंदर चलते हैं। सफिया की किसी कज़न वगैरह की कॉल वॉल आ रही थी इस वजह से। और भाई यहाँ भाई सेलिब्रेशन के लिए फुल सारी चीज़ रेडी करके खड़ा है, तो अब नेरा हो गया है तो इसे हम कह रहे हैं हमारे साथ पिक्चर बनवा लें, भैया सुन नहीं रहा एक मिनट के लिए भी कि हाँ पिक्चर बनवा लें। और हाँ हमारा डेढ़ भाई मेमोरी हो जाएगी फिर पता नहीं ज़िंदगी रहे ना रहे पता थोड़ी है। हाँ तो इस वजह से चलो अंदर चलते हैं, अब अंदर चलते हैं। इतने में तो ये आया है कि निकाह हो चुका है और सारे बाहर आने लगे हैं, तब अंदर जाने का फ़ायदा क्या, तो अभी हम बाहर ही हैं अंदर नहीं जाते और सब बाहर जब आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो ये हैं हमारे केक्स पड़े हुए, अहबाब चिकन अहबाब केक, भाई मेरी भाभी ने बता दिया ये पता नहीं किसका, ये नहीं मुझे पता। ये हमारे बर्ड्स ठीक है, ये हमारी फ्रूट शैम्पेन जो अभी सोनू भाई को लेगा, और ये पार्टी स्प्रे वगैरह ये वो, और ये भी केक है, ये स्पेशल वाला है जो कि हम लोगों के भाई और भाभी कटिंग करेंगे, ये वो स्पेशल केक है ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला है और ये स्पेशल है जो अभी भाई और भाभी केक कटिंग करेंगे और साथ शूट करवाएंगे। भाई असली केक ये है रेड वेलवेट, ओह माय गॉड यम्मी, आप भागोगे जल्दी चलेगा बच गया केक भी तो चिड़िया चल रही है। चलो यार भाई ड्यूटियां अंदर ही अपने अपने बच्चों की, अपने बच्चों कह रहे हैं नाच पाच जाओ सारे, अब यहाँ केक लगा लिया, अब बाहर ये लोग आते हैं। यो यो हनी सिंह बताना जरा कैसा लग रहा है, हमारे भाई ने की है फुल ऑन सरप्राइज तैयारी ठीक है ना। हाँ चो अपनी सक दे तुसी, और वाह कैमरे की आंख देख रही है, हाँ कैमरे की आंख तो देखेगी और कहीं देखे ना देखे, केड़ा वाला दसी जरा, अभी जरा इससे पूछते हैं कौन सा मेरा डांस वायरल करने वाला, भाई कौन सा करना है बताओ, ये भी यही रखने ये नहीं यहाँ रखते सजाए मोदी बेचारे चंगी वाली दुल्हन कुछ कर नहीं सकते थे छोटा, अब हमारे दुल्हन दूल्हा बाहर नहीं आ रहे, हम लोग अंदर जा नहीं रहे, वो बाहर आ नहीं रहे ना कार हजे। ओ भाई भाई ने तो फुल तैयारी कर दी है,
ਆਣ ਤੇ ਬਸ ਕੇ ਕਟਨ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਹੈ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹੈ ਬਚ ਜਾਓ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਐਲਸੀਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ कौन कौन देख रहा था सब ने मुझे बोला मैंने व्लॉग देखा है सब ने आज व्लॉग देखा है माइयों वाले दिन का तो ये सारे बड़े खुश हुए हुए थे कि माइयों खुश हो गए हमने बातें की ये सारे एक्साइटेड हुए थे अभी ये मैडम पता नहीं कहाँ बिजी हुई हुई है तो इस वजह से अभी इन लोगों के साथ मैं थोड़ी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि कब से मैं इसी के साथ इंजॉय कर रही थी मैसेज आया रिप्लाई करना भी ज़रूरी है हाँ जी इसलिए तो अभी हम आ रहे हैं चर्च के अंदर इंटर हो रहे हैं ब्लॉग पे आया ही नहीं हाँ अभी नहीं लिया था ना मैं अभी अंदर जा रही हूँ अभी सबसे क्या हो गया पाँव को हाँ वो चला अभी नहीं जा रहा वो वाला पाँव फिर से तो चलो अंदर चलते हैं यहाँ जनाब का शूट चल रहा है भाई जनाब का शूट चल रहा है और मैं अपनी भाभी को ना हाइट कर दूँगी आज के लिए कल आप लोगों के लिए मेरी भाभी रवील होगी ठीक है ना आज मेरी भाभी रवील नहीं होगी हाँ ना मेरी भाभी का लुक आज का होगा मेरी भाभी 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 ये बुब्बू है सोना तो बड़ी है ओ जाओ यार मैंने बुढ़िया घर चढ़ा तुसी ते चलो जी भाई हुण वेलो मेरी बहू रानी क्योंकि कह रहे ने बहू रानी है मेरी इसलिए अब देख रहे हैं बहू को हमारी बहू कैसी लग रही है हाय हाय ओहो मेरी हीरे की सड़ी चढ़ गई हो लाइक करो सब्सक्राइब करो लाइक करो सब्सक्राइब करो अम्मा की तबीयत सही नहीं अम्मा को तंग नहीं कर तबीयत जा रही है अम्मा कह रही है लाइक करो सब्सक्राइब करो पर मेरी सिर से दर्द हो रही है तंग ना करो हाँ नहीं अम्मी खुद कह रही है मैं कह रही हूँ तंग ना करो सो यहाँ ना फैमिली शूट होना स्टार्ट हो चुका है सो यहाँ हमारा भाई यहाँ पीछे से ब्लश कर रहा है उसके पास पहुँच चुके हैं ये लोग और मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना कैप्चर किया क्योंकि आज के व्लॉग में मैं नहीं चाहती कि हमारी भाभी आज के व्लॉग में रवील हो पर देखती हूँ क्या करती हूँ अभी रवील कर देती हूँ उसका चेहरा या नहीं करती ये मेरे लिए और आप लोगों के लिए सबके लिए सरप्राइज़ होगा चलो सो ये है हमारे केक्स के फ्लेवर चेक कर लो ठीक है ना इतों ही खुश हो जाए तुम मिलना किसी ने नहीं जे इतों वेख के खुश हो जाओ और ये है ये ठीक है और ये हमारे जूसेस हैं सारे पड़े हुए और ये हमारे हाथ में आ गया है अब इसका काम तो ख़त्म हो गया वैसे पर ये हमारे हाथ में अमानत के तौर पे आ चुका है तो सबसे पहले तो भाई सॉरी कि मैं जो है ना व्लॉग एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही थी निकाह का क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और फिर कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है तो इस वजह से सेकंड नंबर पे चलते हैं अब निकाह की रस्म की तरफ जो कि यहाँ हो रही है केक कटिंग की और अब हमने अपनी भाभी का फेस रिवील कर ही दिया है यार ये मेमोरीज होती हैं जो कैप्चर हो जाती हैं मूवी वाले की मूवी कब आप लोग देखो कब ना देखो पर ये व्लॉग तो ज़िंदगी भर के लिए कैप्चर हो जाएगा फिर जो लोग इस रस्मों में नहीं शामिल हुए थे वो भी देख सकते हैं कि भाभी हमारी कैसी थी कैसा लुक था और क्या क्या हुआ हमने कैसी इंजॉय की तो ये उस चीज़ के लिए हमारी एक मेमोरी भी रह जाती है मैं ये चीज़ समझती हूँ तो इसलिए और मैंने सोचा था कि मैं भाभी का चेहरा रिवील नहीं करूँगी बट अब जब उन्होंने केक कटिंग की तो सोचा कि अब बनता है कि अब से वो हर व्लॉग में प्रॉपर आए मतलब कि अब से वो प्रॉपर पूरे व्लॉग में आ जाए और अब यहाँ केक कटिंग हो रही है पीछे बहुत ज़्यादा शोर था तो मैंने कहा ये वो शोर सुनने से बेहतर क्या है मेरी वॉइस ओवर में आप लोग देख सको और इन्जॉय कर सको तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर लिया और बताना कि कैसे लग रहे थे दोनों और गॉड ब्लेस यू कह देना ये इनकी फैमिली है और फिर उसके बाद आ जाते हैं मज़े वाले सीन पर यहाँ भाभी फुल ऑन डर रही थी बर्ड्स पकड़ने के लिए तो सब जो है ना बहुत उन्हें समझा रहे थे कि कुछ भी नहीं होता और मुझे तो खैर बहुत पसंद है और भाभी डर रही थी तो फिर मैं ही इन्हें कह रही थी कि ना
भाई के हाथ में सिर्फ हाथ रख लो। अच्छा मैं उसे भाई नहीं, भाई मतलब शुरू से बोलती आई हूँ तो इसलिए मैं सोनू भाई कहती हूँ, बट ये है कि मैं उसकी पुप्पो हूँ और उसकी मैडम जी की भी मतलब कि उसकी बेगम की भी पुप्पो सासू माँ हूँ, ठीक है ना। तो ऐ मैंने कहना बड़ा अजीब लग रहा है ऐसे, पर मैं कह देता है क्योंकि पहले चर्च के टाइम पे आप लोगों ने ये सुन ही लिया कि मेरी बाजी ने ना मुझे ये चीज़ समझाई थी कि तू उसकी पुप्पी सास है। तो चलो अब देखेंगे सासू माँ का जलवा। तब यहाँ ये लोग शूट वगैरह करवा रहे हैं सासद भाव की। मेरी नूर रानी गला कर रही सी अपने हो गए वाले हस्बैंड ना, तो नाल हूँ सब की तरफ मैंने फोकस कर दिया कि कौन कौन था यहाँ। तो यार फुल जश्न हो रहा था पीछे, इन लोगों ने पार्टी पेपर्स पकड़े हुए थे और सारी चीज़ें ताकि एक साथ ये इंजॉय कर सकें और हल्ला गुला हो सके। और वैसे सफ़िया का देखो ज़रा, सफ़िया कैसी लग रही है, कितनी फोकस जा रही है, सब पढ़े जाएंगे। अच्छा मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये शैम्पेन की तरह का जूस था, अदरवाइज और कुछ नहीं है, ओरिजिनल शैम्पेन नहीं थी, जस्ट ये शूट के लिए थी और हम लोगों ने बाद में सब ने ये शैम्पेन पी थी। शैम्पेन फिर से कह रही हूँ नहीं थी, ये फ्रूट जूस था जस्ट। और फिर हम लोगों ने, गर्ल्स ने और सब ने मिल के छोटे छोटे सिप लगाए थे, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि ये शैम्पेन नहीं थी, ठीक है। सब कहते हैं कि ये शैम्पेन होती है, शैम्पेन नहीं थी। आज हम वाइन पियेंगे, मेरी बारी है, यूट्यूब पहले यार यार ये वाइन नहीं है, ऐसे कहते हैं ये वाइन है, ये यम्मी क्या चीज़ थी, पूछे वही है ना, वही है। सो ये एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हमें मिले थे जो कि बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे थे और सबकी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई थी। तो अगर आप लोगों को भी इन्हें हायर करना है तो आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, ये अपना इंस्टाग्राम पर लिंक बता रहे थे। तो पीछे बहुत ज़्यादा शोर था इस वजह से मैंने वॉइस ओवर की है और आप इनसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं या फिर मुझसे भी। सो अब हम अपने भाई को कंग्रेचुलेट कर देते हैं क्योंकि हमारा भाई भाभी के साथ था, तो भाभी के साथ आज के व्लॉग में मुझे वैसे इतना ज़्यादा रिवील नहीं करना अपनी भाभी को, तो ये कल के लिए सरप्राइज रहेगा कि मेरी भाभी कौन है। आज के सारे व्लॉग में मैं अपनी भाभी के फेस पर इमोजी या कुछ भी कर दूँगी ऐसा कि मेरी भाभी शो ना हो। सो कंग्रेचुलेशन सोनू, ये बिजी हुआ है फुल ऑन आज, नहीं आया ना अरे खैर मैंने जरा आ गया ना आप लोग, मैंने जरा आ गया ना, इतना बहुत है। मैंने कुछ कुछ जगहों पे अपना भाई तो दिखा ही दिया आप लोगों को, अब खैर है कि अगर उसका चेहरा नहीं आया तो सही बात है ना, सानू की आए हो ना तुम भी तैयार है। सो अभी के लिए ना हम लोग फुल ऑन बोर हो रहे हैं कि अब हम घर जाए तो देखते हैं कि क्या होता है। सबकी बनी है भाई वीडियो, हाँ यहाँ देखिए वीडियो भी बना रहे, फोटो भी बना रहे। फाइनली सोनू बैठ चुका है कार में, हमने पहले नहीं देखा था अभी देख लिया। और पहाड़गंज पहले जाएंगे फिर उसके बाद अपने घर जाऊंगी। और बस तो अभी के लिए आप अपने कामों की रूटीन शुरू कर दी है
और यहाँ गैस भी जा चुका है, चावल गर्म कर लिए है मैंने कि अभी ये खाएं पिए हम। हाँ जी खाए जी खाए, बाय बाय बाय। क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो? वाह गुड गर्ल। तो यहाँ मैंने चावल गर्म किए है ठीक है दोबारा से, और दाल बनी है मूंग की ठीक है, ये यहाँ है ठीक है। और बाबा हमारे लिए परांठे, मेरे लिए तो खैर परांठे लेने गया है बाबा, क्योंकि मैंने परांठा खाना है और मम्मा ने होटल की रोटी खानी है, और वो इसलिए क्योंकि मम्मा को शुगर हाई है अभी भी, और इसलिए तो अब ये यहाँ मम्मा लोग बातें कर रहे हैं। तो साथ में नया सर्व करना, खाना वाना खाते हैं फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं।